मॉर्निंग हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस गुंजन वर्मा फ्रॉम संस्कृति गुरुकुल स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम टीचिंग यू ईवीएस। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप द एनिमल किंगडम्स। आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स आर लिविंग बींग्स। मैंने आपको बताया था कि लिविंग बींग्स कौन कौन होते हैं। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये क्या होते हैं? लिविंग बींग्स। तो एनिमल्स भी क्या है? लिविंग बींग्स, क्योंकि एक ये ब्रीथ करते हैं, इनको खाना पानी की ज़रूरत भी होती है। ओके, दे ईट ड्रिंक एंड ग्रो। ये खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, ग्रो भी करते हैं। दे फील एंड मूव। दे ये फील भी करते हैं और मूव भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। बहुत से तरह के एनिमल्स हम देखते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं इन एनिमल्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। ओके, एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स, फॉरेस्ट और इन नेचर एंड हंट देयर ओन फूड एंड वाटर आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। वो एनिमल्स जो जंगलों में रहते हैं, जो अपना शिकार, अपना जो खाना है वो खुद पकड़ते हैं, है ना, वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। वी कैन फाइंड वाइल्ड एनिमल्स इन द जू एज वेल एज। हम क्या वाइल्ड एनिमल हमने कहाँ देखे होते हैं? हम जंगलों में तो जाते नहीं हैं देखने। हमने वाइल्ड एनिमल्स कहाँ देखे होते हैं? जू में। चिड़ियाघर गए हैं, उधर हम क्या देखते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स आर डेंजरस एंड फ्रे। वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं। ओके, जैसे वाइल्ड एनिमल कौन कौन से हुए? एनिमल्स लाइक लायन, डियर, बियर, जिराफ आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। लायन हुए, शेर हुआ, डियर, बियर, ये क्या है? वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स कौन होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो अपना खाना खुद पकड़ते हैं, है ना। और हम वाइल्ड एनिमल्स कहाँ देखते हैं? हम जू में वाइल्ड एनिमल्स देखते हैं। कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं? लायन, डियर, बियर, जिराफ, ये क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। आप पिक्चर देख रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स की। चलिए अब पढ़ते हैं पैट एनिमल्स। पैट एनिमल्स कौन से होते हैं? पालतू, जो हम पालते हैं। ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर पैट एनिमल्स भी आते हैं। और पैट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? दे लिव इन आवर होम और इन द फार्म। ये हमारे संग हमारे घर में रहते हैं और हमारे फार्म्स में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर टेम्ड बाय अस। ये क्या होते हैं? हमारे पालतू होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे संग घर में रहते हैं। दे आर कॉल्ड पैट एनिमल्स एंड दे डिपेंड ऑन अस फॉर फूड। ये हमारे पैट एनिमल्स होते हैं और ये क्या, ये खाने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? हम पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि कैट, डॉग, है ना, रैबिट, ये क्या है? पैट एनिमल्स हैं। आप पिक्चर देख रहे हैं पैट एनिमल्स की। ओके, अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स। सम एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। एनिमल्स जो हम पालते हैं वो पैट एनिमल्स तो होते ही हैं, बट वो एनिमल्स जो हमें यूजफुल होते हैं, जैसे गॉट एंड काउ गिव अस मिल्क। गॉट और काउ हमें क्या देती है? मिल्क देती है। शेप हमें क्या देती है? वूल देती है। डॉग क्या करता है? हमारा घर को गार्ड करता है, हमें घर की सुरक्षा करता है। तो वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो पैट एनिमल्स तो होते ही हैं, बट डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से और होते हैं जो क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं। जैसे गाय हमें दूध देने में हेल्प करती है, शेप हमें वूल देने में हेल्प करती है ना। तो ये एनिमल्स क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। आप पिक्चर देख रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की। ओके, अब हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा। एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स भी लिविंग बींग होते हैं, इन्हें भी खाना पानी इनकी ज़रूरत होती है। हमने तीन तरीके के एनिमल्स पढ़े। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? जो जंगलों में रहते हैं, जो अपना खाना खुद पकड़ते हैं, है ना। कौन कौन से? लायन, डियर, बियर। ओके, फिर हमने पढ़ा पैट एनिमल्स, जिनको हम अपने संग अपने घर में रखते हैं वो क्या होते हैं? पैट एनिमल्स। फिर हमने पढ़ा डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो हमें यूज़फुल होते हैं, जो हमें हमारी हेल्प करते हैं। जैसे काऊ हमें मिल्क देने में हेल्प करती है, शेप हमें वूल देने में हेल्प करती है, जो हमारे संग भी रहते हैं, है ना। तो ये कौन से एनिमल्स होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स अराउंड। हमारे आसपास बहुत तरह की बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स मीन्स चिड़ियाएँ। ओके, बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर एंड बर्ड्स हैव टू विंग्स टू हेल्प देम फ्लाई। ऑफ देम कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। बर्ड्स के क्या होती हैं? हवा में उड़ती हैं, एयर में उड़ती हैं। उनके विंग्स मतलब पंख, उनके पास दो पंख होते हैं जिनसे वो उड़ती हैं। सम कैन नॉट फ्लाई, दे इंक्लूड ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन। कुछ बर्ड्स क्या होती हैं, उनके पास क्या होता है?
उनके पास पंख नहीं होते, जैसे ऑस्ट्रिच की भी, पेंगुइन, ये क्या करते हैं कि उड़ नहीं पाती है ना। सारी बर्ड्स तो हवा में उड़ती हैं, बट कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके पास वो फ्लाई नहीं कर पाती, जैसे ऑस्ट्रिच की भी, पेंगुइन। ओके, आप पिक्चर्स देख रहे हैं बर्ड्स की, ये इतनी ही बर्ड्स नहीं है, और भी बर्ड्स होती हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया एनिमल्स के बारे में, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। फिर मैंने आपको बताया बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड्स हमने हमारे आसपास चिड़िया जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, कुछ बर्ड्स के पास पंख होते हैं तो वो क्या करती हैं दूर दूर तक उड़ती हैं, बट कुछ के पास पंख तो होते हैं बट वो उड़ नहीं पाती, जैसे कौन कौन सी, ऑस्ट्रिच की भी, पेंगुइन। ओके, आपको समझ में आया, इस चैप्टर के आपको हार्ड वर्ड्स मिल जाएंगे जिसे आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ओके, और इन्हें लर्न भी करना है, उनका मीनिंग भी समझना है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे